hello students how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is harappan civilization the rise of urbanism okay now before starting the chapter we have to know some important terms like first is what do you mean by culture culture is the way of life art and architecture thinking behavior and beliefs of a community civilization the stage in the development of a cultural when it become more varied advanced and well organized seals seals are the clay tablets used by the hadapan merchants to stamp their goods citadel that is a fort like raised part of the hadapan cities where public buildings places of worship workshops etc were built Granaries are the storehouses that are godowns where the Harappan people stored their extra produce. Great public baths are a big tank at Mohanjodaro used by public on religious occasions. And what is oligarchy? That is the rule of select few. Now let's start the chapter. According to sociologist, urbanism is the process in which a section of population adopts an urban way of life while residing a rural area. Urbanism क्या होता है कि शहरों जैसा ऐसे लोग ठीक हैं गांव में रहते हैं लेकिन ऐसे लोग ऐसे group ऐसी पॉपुलेशन जो अर्बन वे ऑफ लाइफ अडोप्ट कर लेते हैं शहरों की तरह रहने लग जाते हैं दैट इज अर्बनिज्म इट अ अ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ रिलीजन गेट्स कंसंट्रेटेड इन टू टाउन एंड सिटीज यानी गांव के बहुत सारे लोग शहरों जैसा जो कल्चर है वो फॉलो करने लग जाते हैं और कुछ लोग टाउन और सिटीज में बस जाते हैं इस तरीके से विलेज जो हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे पहले क्या थे सिर्फ विलेज

Painted pottery. Okay, toward the middle of the around 4000 BC, agricultural settlement began to spread more widely in Indus Valley. Around 2600 BC, the fully urban society emerged at Harappa and other sites. For this reason, this period is called the Early Harappan or Early Indus Culture. 2600 BC may बहुत सारी सोसाइटी जो थी हड़प्पा में वो पूरा उन्होंने क्या कर लिया था अर्बन कल्चर को एडॉप्ट कर लिया था तो इस पीरियड को नाम दिया गया है अर्ली हड़प्पन और अर्ली इंडस कल्चर ओके नाउ एज मैन सेटल डाउन इन स्मॉल विलेजेस न्यू ऑक्यूपेशन शुरू हो गई थी जैसे कि पोट्री कारपेंट्री स्मिथी विविंग एटसेट्रा इट लैड टू ऑफ ऑफर नंबर ऑफ कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट बहुत सारे इस तरीके से क्राफ्टमैन का काम करने लगे थे क्राफ्ट बन गए थे ओके okay? अब उनके पास क्या होता था जैसे कि फार्मर के पास जो सर प्लस प्रोड्यूस होता था यानी अपनी फैमिली के लिए बचाने के बाद जो दूसरा जो एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस होता था वो क्या करते थे क्राफ्टमैन से मान लो पोट्री लेनी है तो वो एक्सचेंज कर लेते थे ग्रेन को ओके एंड दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम यानी जिसको जिस चीज की जरूरत है वो आपस में एक्सचेंज कर लेना एज ट्रेड बिग विलेज डेवलप्ड इन टू टाउन जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हुआ लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए छोटे छोटे गांव जो थे वो बड़े बड़े ट्रेड सेंटर टाउन्स में डेवलप होते गए क्राफ्ट मैन एंड ट्रेडर्स फ्राम नेबरिंग एरियाज असेंबल देयर फॉर ट्रेड एंड देर दिस टाउन बिकेम प्रोमिनट सिटीज लैंग्वेज स्क्रिप्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एटसेकट्रा ऑल्सो ग्रू एंड डेवलप अब क्या हुआ जब लोग ट्रेड करने आते थे तो कुछ ऐसे टाउन जो थे जहाँ पर ऐसी ट्रेडिंग की चीज़ें होते थे ठीक है वो प्रोमिनेंट सिटीज में बद, बदल गई और इससे लैंग्वेज स्क्रिप्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी नाउ नेक्स्ट इज अर्ली सिविलाइजेशन अर्ली सिविलाइजेशन लाइक इन इजिप्ट मैसोपोटामिया इंडस वैली एंड होंग हो वैली ग्रू अलोंग द रिवर एज दे प्रोवाइडेड एंड सप्लाई ऑफ वाटर टू सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इरिगेट द फील्ड सारी सिविलाइजेशन जितने भी अर्ली सिविलाइजेशन थी सब रिवर साइड में ही हुई थी क्योंकि उन्हें प्रॉपर पानी मिल जाता था नाउ बिसाइड्स दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके अलावा उन्हें एक चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाता था पानी के थ्रू वो चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे Now, next is the Indus Valley Civilization or the Harappan culture. Till the beginning of 20th century, historians were unaware of an ancient civilization that flourished in northwestern India about 4,500 year ago. Rai Bahadur Ram Sahani of आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड द साइट ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन मंतोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ वेस्ट पंजाब नाउ इन पाकिस्तान ठीक है किसी को इस सिविलाइजेशन का नहीं पता था कि यहाँ पर एक हड़प्पा एक गाँव भी होता था एक आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक्सक्वेट कराया और इस तरीके से हड़प्पा जो है दैट साइट डिस्कवर हुई मैनी एक्सक्वेश वर देन मेड एलोंग द इंडस रिवर और उस टाइम पर बहुत सारी एक्सक्वेशन ऐसी खोज जो थी वो जारी थी इंडस रिवर के आसपास और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पा कल्चर वर डिस्कवर्ड एट वेरियस प्लेस जैसे रोपड़ ऑन द रिवर सतलज इन पंजाब काली इन राजस्थान लोथल रंगपुर रोजा गुजरात ठीक है ये सारी क्या है साइट्स हैं जो हड़प्पा के टाइम पर ही एक्सक्वेट की गई ठीक है तो वहां से हमें पता लगी? लगा कि ऐसे भी एक सिटी थी ओके okay? टू हड़प्पन साइट्स वर एट दक्ष खेड़ा एंड बेदू ये सारी जो साइट्स हैं ये आपको मैप दिया हुआ है एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर इन इंडिया कि कहां कहां पर कौन कौन सी हड़प्पन साइट थी फाइन नेक्स्ट इज द इनवायरमेंट थ्रो द प्रेजेंट क्लाइमेट ऑफ द इंडस वैली रीजन इज हॉट एंड ड्राई एनशियन टाइम में ऐसा नहीं होता था एनशियन टाइम में जो इंडस वैली का क्लाइमेट था वो काफ़ी मॉइस्ट एंड हीड क्लाइमेट था डेंस फॉरेस्ट होते थे और रिच वाइल्ड लाइफ थी एनुअल फ्लडिंग ऑफ द इंडस प्रोवाइडेड रिच एंड फर्टाइल लैंड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप हर साल वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी जिससे वहाँ की जो जमीन थी सॉइल जो थी वो काफ़ी फर्टाइल थी और क्रॉप ग्रो करना एग्रीकल्चर करना बहुत ईजी था Now here is an interesting fact. Harappa is a city in Punjab, not in Pakistan. The total exist town is about 3300 BC until 1600 BC. It was believed to have as many as 40,000 resident. ऐसा माना जाता है साइट को देखकर कि यहाँ पर 40,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ रहते थे. Fine. Now next is sources of the Harappan culture. सोर्सेज क्या थे द अवेलेबल नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर मेनली डिपेंड्स अपॉन द आर्क्योलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें आर्क्योलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उससे ही हमें पता लगता है कि क्या सोर्सेज थे एज द इंडस्क्रिप्ट हैज येट नॉट बिन डेसीफर्ड जो उन्होंने लिखा हुआ है उस टाइम पर वो अभी तक समझी नहीं गई है कि क्या लिखा है उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है दूसरा कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं है तो जो भी हमें पता लगा है वो सारे जो भी साइट से एक्सक्वेशन हुई है उन्हीं से पता लगा है जैसे कि रूंस ऑफ एंशियंट सिटीज बिल्डिंग पोर्ट्री सील्स टॉयज, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स, इसी से हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में जानकारी मिली है ठीक है वो हम रीड करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दैट वी विल रीड अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट

टाउन को जो साइट्स हैं उसको देखकर लगता है कि इंडस वैली पीपल जो थे दैट वर रिमार्केबल इन टाउन प्लानिंग दे लिव्ड इन वेल प्लान टाउन्स द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट सीटा एंड द लोअर टाउन बहुत अच्छे से टाउन प्लान किया गया था टाउन को दो पार्ट में बांटा गया था सीटा और सेकेंड इज लोअर टाउन सीटाडल जितनी भी मेन बिल्डिंग होती थी जो रूलर होते थे ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स होते थे वेल्दी मर्चेंट्स होते थे वो सब लोग कहाँ रहते थे सीटाडल में रहते थे ठीक है ना लोअर टाउन में कौन लोग रहते थे ग्रेनरी असेंबली हॉल ग्रेट बाथ ये सारी चीजें सीटारल में थी फाइन लोअर टाउन में कौन रहते थे लोअर टाउन विलेज से कहीं दूर जाके एक छोटा सा टाउन होता था जहाँ पर कुछ मड हाउसेस मिले हैं तो उससे पता लगता है कि काफ़ी जो पुअर लोग होते थे वीवर्स होते थे वो लोग यहाँ पर रहते थे ओके दे वर कैप्ट क्लीन एंड फैक्ट्रीज एंड बेकरीज वर नोट परमिटेड टू बिल्ड विद इन द लिमिट ऑफ द टाउन टू अवॉइड पॉल्यूशन और जो लोअर टाउन में जो लोग रहते थे उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई थी सेकेंड मेन फीचर है वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था जैसे कि अभी सीवर सिस्टम है ठीक है तो उस टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा था जो मेन जो ड्रेन होती थी हाउसेस की जो ड्रेन थी वो मेन ड्रेन में कलेक्ट होती थी ठीक है मेन ड्रेन अच्छे से कवर करके ब्रिक के साथ बनाई गई थी एंड द सलेज वाटर वॉज डिस्चार्ज थ्रू वेल कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन्स एंड मेन होल्स वर प्रोवाइडेड फॉर पीरियोडिक क्लीनिंग मेन होल भी बनाए गए थे जहाँ टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती थी ठीक है ये एक आप देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम का इन द पिक्चर नेक्स्ट इज मैजेस्टिक बिल्डिंग्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी मेजेस्टिक पब्लिक बिल्डिंग भी बनाई गई है जहां पर लोग वर्शिप करते थे या ग्रेनरीज जहां पर ग्रेन स्टोर करते थे जैसे कुछ बिल्डिंग्स आपको एक्सप्लेन की गई है फर्स्ट है ग्रेनरी ग्रेनरी क्या होती थी द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन सीटा एट मोहन जोधारो इट वॉज रेक्टेंगुलर एंड लोकेटेड क्लोज टू द रिवर टू फैसिलेट इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रेन रिवर के पास बनाई गई थी ग्रेनरी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी जिसमें क्या किया जाता था ग्रेन स्टोर किया जाता था जो भी सरप्लस एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रेन होता था वो यहाँ पर स्टोर किया जाता था सेकेंड इज टाउन हॉल टाउन हॉल क्या होता था टाउन हॉल जहां से ट्रेडिंग होती थी इट वॉज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर मेजरिंग 69 मीटर इन लेंथ एंड 23.5 मीटर इन इट हाई पिलर्ड होल इट वॉल वर 1.5 मीटर थिक द बिल्डिंग माइट हैव बीन यूज्ड ईदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक असेंबली हॉल और अ प्रेयर हॉल फॉर कल्चर पर्पज़ हो सकता है टाउन हॉल को या तो सब लोग गैदर करके पूजा करने के लिए यूज़ करते होंगे एज एन असेंबली हॉल यूज़ करते होंगे या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के लिए यूज़ करते होंगे या ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे नेक्स्ट है ग्रेट बात ग्रेट बात जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो ग्रेट बात क्या था मोहन में एक साइड डिस्कवर हुई है ग्रेट बात ग्रेट बात एक टैंक बना हुआ था जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता था तो उसको भर देते थे ठीक है उसको क्लीन किया जाता था रेगुलरली और जो लोग बिलीव करते थे रिलीजन में वो इसमें बात करते थे ठीक है यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए थे लेडीज के लिए और फिर आ, रिलीजियस फेस्टिवल के बाद इसको खाली कर दिया जाता था और ऐसे ड्यूरेशन टू ड्यूरेशन इसकी क्लीनिंग भी होती

बनानी उन्हें आती थी बहुत सुंदर ग्लेज एंड कलरफुल क्ले पोर्ट्री वो बनाते थे नेक्स्ट इज पेंटिंग इंडस वैली पीपल पेंटेड एक्स डिजाइन ऑन अर्थनवेयर मिट्टी के जो बने होते थे मिट्टी के बर्तन जो बने होते थे उन पर सुंदर अद्भुत डिजाइन वो बनाते थे दे ऑल्सो ड्रू फिगर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिसाइड जियोमेट्रिकल डिजाइन जियोमेट्रिकल डिजाइन की जगह वो क्या बनाना पसंद करते थे बर्ड या एनिमल की पिक्चर्स या ह्यूमन बींग की पिक्चर बनाना पसंद करते थे नेक्स्ट है आर्ट ऑफ कार्विंग आर्ट ऑफ़ कार्विंग यानी एनग्रेव एनिमल फिगर्स और न्यूमरस सील सील जो सील मिली है हमें हड़प्पा एंड मोहन में सील क्या होती है क्ले की टैबलेट होती है ठीक है उन सील पर काफ़ी कार्व पिक्चर बनाई हुई है कार्व क्या होता है जैसे उभार कर बनाते हैं ओके तो ऐसी काफ़ी कार्व पिक्चर बनी हुई है ऑफ बुल बफेलो टाइगर राइनोसोरस गोट एंड एलिफेंट एंड फीमेल डाइटीज एंड मेल गोड वर ऑल्सो एनग्रेवड ऑन द सील्स तो आर्ट ऑफ कार्विंग जो है वो उस टाइम पर डेवलप हो चुका था नेक्स्ट है मेटल कास्टिंग मेटल कास्टिंग दैट इज मेटल स्मिथी थी वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट आर्ट एज वेल एज क्राफ्ट पीपल मेड ब्रोंज टूल्स एंड वेपन स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल इन ब्रोंज फाउंड इन मोहन जो दारो रिविल्स देअर मेजिस्टी इन ब्रोंज कास्टिंग यानी उन्हें क्या आती थी मेटल कास्टिंग आती थी ब्रोंज से फिगर्स बनाना ठीक है स्कल्पचर बनाना मूर्तियाँ बनाना उस टाइम पर आता था दैट इज स्कल्पर ठीक है ये देखो आप इस टाइप के स्कल्पर उस टाइम पर लोगों को बनाने आते थे स्टैच्यू ऑफ द शोलैड योगी दैट इज फाउंड इन मोहन जोदारो रिवील्स द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट मैन के कितने अच्छे वो आर्टिस्ट थे फाइन नेक्स्ट इज सीलिंग ये होते थे इंडस वैली जिसमें सील क्या होता था और लार्ज नंबर ऑफ सील मिली है सील क्या क्ले टेबलेट ओके ह्यूमन एंड एनिमल के फिगर इन पर डिपिक्ट होते थे बनाए जाते थे दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो सील हमें मिली है उससे हमें पता लगता है कि, कि किस टाइप के जो आर्टिस्ट थे वो किस टाइप से बनाते थे किस टाइप के डिज़ाइन वो फॉलो करते थे उस टाइम के जो लोग जो हैं किस मानते थे और कैसे ड्रेसेस पहनते थे कौन से ऑर्नामेंट यूज़ करते थे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें सील के थ्रू मिलती है नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल कि लोगों की लाइफ कैसी थी द र्यू नो फडअअ अपड मोहन जोदारो प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली पीपल ये हमें कैसे पता लगा है जैसे हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई उनकी फ़ूड हैबिट्स में उनकी ड्रेस स्टाइल में एम्यूजमेंट्स में एंड द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी बिकेम मोर डेफिनेट एंड मैनी ऑफ आर रिलीजियस प्रैक्टिस हैव देयर बिगनिंग इन देयर प्रैक्टिस अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस किसी धर्म को मानते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरुआत हुई थी अब डिटेलिंग में हम पढ़ते हैं फूड वीट एंड बार्ले डीज फॉर द स्टेपल फूड लोग यही खाते थे वीट और बार्ले यही उगाते थे उसके अलावा मिल्क मीट फिश फ्रूट एंड डेट्स कंज्यूम करते थे ड्रेस एंड ओरनामेंट The discovery of large number of spindles indicate that cotton and woolen thread were used to weave cloth, यानी yani cotton और wool. ठीक है ये दो introduce हो चुकी थी तो लोग mostly धोती shawl इस type से पहनते थे men और women दोनों एक ही type के कपड़े पहनते थे दोनों ornaments भी पहनते थे and ornaments चाहे वो rich हो poor हो सब लोग पहनते थे women wore necklace, bangles, bracelets, earrings and waistbands made ज्वेलरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैन और वेमेन वियर करते थे नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन जैसे आप पढ़ ही चुके हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग काफी एडवांस हो गए थे तो एग्रीकल्चर उन्हें आता था उसके अलावा पॉटरी बनाने उन्हें आती थी क्राफ्ट मैन भी वो थे ठीक है कपड़ा भी बनाना आता था तो वीविंग भी थे ज्वेलरी पहनते थे तो कुछ ज्वेलर भी थे ठीक है मेटल का भी यूज करके उन्हें काफ़ी चीजें बनानी आ गई थी तो इस टाइप की वो ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉज फ्लोरिशिंग सैवरल मेजोपोटामियन सील्साउंडली सिविलाइजेशन बहुत सारी सील हमें मेजोपोटामिया की सील हमें हड़प्पन और मोहन चौदारो साइड से मिली है इससे पता लगता है कि हमारे मेजोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशन थे यानी पहले से ही फॉरन ट्रेड में रिलेशन थे एंड द रिमेन्स ऑफ अर डोक यार्ड एट लोथल इन गुजरात कन्फर्म द मेरी टाइम ट्रेड और एक डॉकयार्ड मिला है लोथल गुजरात में जिससे पता लगता है जितना भी ट्रेड होता था वो कैसे होता था मैरी टाइम यानि कि सी के द्वारा होता था मेज़ोपिटामिया रिकॉर्ड्स ऑल्सो मैंशन मेलुआ अ टर्म दे यूज फॉर द इंडस वैली सी पोर्ट एंड दिस मेजोपिटामिया में भी जो साइट एक्सक्वेट हुए हैं वहाँ से भी हमें एविडेंसेज मिले हैं जिससे हमें पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ काफ़ी अच्छे ट्रेड थे ठीक है अब और किस किस के साथ वो ट्रेड करते थे ट्रेड करते थे लाइक बलूचिस्तान पर्जिया एंड सुमेरिया डेट इज मिजोपोटामिया एंड द मेन ट्रेड आइटम किस किस चीज का ट्रेड व्यापार करते थे टीन कॉपर गोल्ड टिंबर सिल्वर प्रीसियस स्टोन्स एंड गुड्स वर जनरली ट्रांसपोर्टेड ऑन बुलोकार्ड एंड बाय बोट और कैसे वो गुड्स को ट्रांसफर करते थे या तो बुलो कार्ड से अगर लोकल होता था या फिर बाई बोट थ्रू सी फाइन Now next is pastime and amusement. Uh, free time me kya karte the? Free time me game khelte the, dice and marbles. And they were also interested in music and dance. And they made terracotta toys for the amusement of children. Now next is religion. उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में हमें काफी कुछ एक्सक्वेशन साइट से मिलता है पता लगता है जैसे कि सील पर जो फिगर्स बनी हैं या ग्रेट बात देखकर हमें काफी चीजें पता लगती हैं यानी पीपल ट्री को वो पवित्र मानते थे ठीक है उसके अलावा द थ्री हैडेड फिगर ऑफ़ अ मेल गॉड इन अ यौगिक पोस्चर उससे पता लगता है कि शायद भगवान शिवा पशुपति भगवान को वो लोग फॉलो करते थे मानते थे एंड दीज पीपल वर्शिप्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगम ऑल्सो ठीक है जैसे शिव लिंगम है तो उस टाइप के जो उस टाइम के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो शिवजी की पूजा लिंगम की फॉर्म में करते थे They also worshipped mother goddess who represented fertility. However, no temple structure have been discovered from the ruins. लेकिन उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर का एक्सक्वेशन नहीं मिला है तो उस टाइम टेम्पल नहीं होते थे ठीक है और ये लोग बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है इसी जो भी जिसको भी ब्यूरिड करते थे डेड को उसके साथ फूड ऑर्नामेंट और आर्टिकल उसकी पसंद के उसके साथ रख देते थे ब्यूरियल ठीक है द डेड बॉडीज ऑफ बाय क्रेमेशन एज वेल और प्रॉपर पूजा पाठ की जाती थी डेड बॉडी को बरिड करने के लिए नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे ग्रुप को तीन ग्रुप में बांटा गया था फर्स्ट इज द रूलिंग क्लास लिव्ड इन द डल एंड कंप्राइज ऑफ द मर्चेंट्स एंड द हाई प्रेस्ट सेकंड इज द

उस टाइम के जो एविडेंसेस हैं उससे हमें लगता है कि उस टाइम कोई एक सिंगल रूलर नहीं था ठीक है ना ही कोई किंग था द सिटी वॉज प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेड बाई अ ग्रुप ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स एंड प्रिस्ड ऐसे लगता है जो फर्स्ट क्लास यानी कि जो रिच मर्चेंट थे और जो प्रिस्ट थे वही पूरी सोसाइटी को चलाते थे एडमिनिस्टर करते थे दीज डेफिनेटली एग्जिस्ट काइंड ऑफ म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन विच टुक केयर ऑफ सैनिटेशन रेगुलेटेड ट्रेड

The cities did not change during this long period, and city of Mohenjo-daro however, was destroyed over and over again and was rebuilt at the same time, nine times. As evidences, dekke, jo mohenjo Mohenjo-daro jo city thi, wo bahut bar khatam destroyed destroy or fir se rebuilt hogay, no bar hua. The great civilization disappeared by about 1500 BC when the Aryans began arriving to India. जब आर्यन पीपल इंडिया में आए थे उस टाइम पर माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी क्या कारण हुए होंगे प्रॉपर कारण हमें नहीं पता है लेकिन जो भी हिस्टोरियन ने रीज़न बताए हैं उनसे हमें पता लगता है इट माइट हैव बिन डिस्ट्रॉयड बाय रेगुलर फ्लड हर साल वहां पर फ्लड आती थी ओके तो ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लड आई होगी और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई होगी सेकेंड क्या रीज़न है कि कोई एपिडेमिक यानी कोई महामारी आई होगी ड्रेन जो है वो कहीं कुछ फंस गया होगा उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया होगा तो ऐसी कोई गंदगी के कारण ऐसी कोई एपिडेमिक महामारी आई होगी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए होंगे कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पेड़ों की कटाई के कारण क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया होगा और जो रीजन है वो पूरा ड्राई हो गया होगा डेजर्ट की तरह और लोग वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए होंगे कुछ का कहना है कि शायद ऐसा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया होगा जिससे पूरी सिटी तबाह हो गई होंगे कुछ का कहना है द आर्यस इन्वेडेड देयर सिटीज़ एंड डिस्ट्रॉयड दैम और आर, कुछ का कहना है कि जो आर्यन पीपल आए थे ठीक है उन्होंने इन सिटी पर आक्रमण किया और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारी हिस्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट इज़ द इंडस वैली पीपल गेव टू द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ठीक है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहाँ से हमें मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन से सेकंड हमें क्या पता लगा टाउन प्लानिंग का पता लगा जो उस टाइम की सुपर्ब थी एंड अनसरपास थी थर्ड ड्रेनेज सिस्टम का हमें पता लगा कि ड्रेनेज सिस्टम और इंजीनियरिंग वर्क जो है उस टाइम का बहुत अच्छा था तो कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सकता है उस टाइम की जो पोट्री थी वो भी एक्सीलेंट थी तो लोगों को काफ़ी आइडिया आया वो पोट्री देखकर कि किस तरीके से पोट्री की जा सकती है एंड द लास्ट इज दे इन्वेंटेड द कार्ट डिवाइस टू हार्नेस एनिमल पावर फॉर देयर बेनिफिट उन्हें कार्ड घोड़ा गाड़ी जो थी उन्होंने ही बनाई थी जिससे वो एनिमल पावर का यूज करके फायदा उठा सकते थे नाउ हेयर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर Urbanism is the process by which a section of population adopts an urban way of life while residing in a rural areas, whereas urbanization is the process of transformation from rural to urban. Second is, towards the middle of the fourth millennium BC, agricultural settlements began to spread in the Indus Valley. Third is around 2600 BC, urban society emerged at Hadappa and other sites. Early civilization developed in river valleys. Next is the Indus Valley civilization was excavated in 1921-22 by Rai Bahadur Daya Ram Sahni of the Archaeological Survey of India. Next is town planning well planned drainage system majestic buildings art craft and architecture were the main features of the harappan culture improvement in food and dress and amusements political and social organization of society were the main features of the harappan culture agriculture was the main occupation of the indus valley people देयर वर नो किंग्स रूलर एंडली ऑलिग्रेकी कंट्रोल द इकॉनमी एंड सिविल गवमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंस ड्यू टू मैनी रीजन्स सो दिस इज द चैप्टर बच्चे आई होप आपको समझ आया होगा एक बार अच्छे से इसको रीड एंड रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे